सपोर्ट है इंडिया का। ये जो गुरु राम राय जी है ना, उनके जन्म दिवस के लिए मनाया जाता है ये झंडा साहिब। काफ़ी पुरानी परंपरा है, चढ़ता आ रहा है जी, ये जो पहले से चढ़ता आ रहा है, अब तक जितने भी गुरु हैं ना उनके कार्यकाल में अब तक चलता आ रहा है ये चढ़ता। लोग दूर दूर से आते हैं जी, पंजाब से आप देख लेना, यहाँ पे बहुत आते हैं जी झंडे मेले देखने। अभी जन्मदिन का खुशी में मनाते हैं, झंडा साहब चढ़ाते हैं, और 6 महीने बाद श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों में भी हम आते हैं पंजाब से। हमारे को विशेष इधर से चिट्ठी पत्र जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। हमारे जो मन की श्रद्धा होती है वो सब कुछ पूरा होता है यहाँ पे। झंडे साहब से प्रार्थना करता हूँ, जितनी यहाँ संगत आई है उन सब की मनोकामना पूर्ण हो। जितनी संगत जो है पूरे देश से जो है देहरादून में आई है, मैं उनका देहरादून महानगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और झंडे साहब से प्रार्थना करता हूँ कि उन भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हो और देश में खुशहाली हो। झंडे जी के मेले का बहुत बड़ा महत्व है, यहाँ जो लाखों संगत जगह जगह से आती है, पूरे पंजाब हरियाणा ऑल ओवर वर्ल्ड से संगत आती है, तो इनकी बहुत बड़ी आस्था है झंडे साहब के साथ, और जो यह मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। श्री गुरु राम राय जी महाराज का 376वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाए गए। और आपने देखा कि लाखों की संख्या में हमारी संगतें आज दरबार साहिब में है। श्री गुरु राम राय जी महाराज सिखों के सातवें गुरु श्री हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, और सन 1676 में पंजाब से इस दून घाटी में आ गए। इस दून घाटी में उन्होंने अपना डेरा डाला, इसीलिए यहाँ का नाम देहरादून। तो श्री गुरु राम राय जी महाराज चमत्कारिक सिद्धियों से युक्त हैं। जब इनका कार्यकाल था उस समय हिंदुस्तान औरंगजेब के अधीन था, और औरंगजेब हिंदू समाज सिख समाज को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसी कड़ी में जब ये दिल्ली दरबार में गए तो वहाँ के जो मौलवी थे, दरबारी थे, उन्होंने इनकी कई तरह से परीक्षा ली, और गुरु महाराज ने वहाँ पर 72 चमत्कार दिखाए। औरंगजेब इनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनको हिंदू पीर और कामिल फकीर की उपाधि दी। और जब उनको ये मालूम चला औरंगजेब को कि गुरु महाराज पंजाब छोड़ के दून घाटी में आ गए, तो उस समय हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, यहाँ पे टिहरी रियासत थी। तो टिहरी के राजा फतेह शाह को हुक्म जारी किया कि गुरु महाराज के लिए यहाँ पे यह स्थान बनाया गया, और उनका अतिथि सत्कार किया और 7 गाँव उनको जागीर में दिए गए। तो तब से ये परम्परा जारी है, और संगतें दूर दूर से आती हैं, और ये मान्यता है कि जो भी दरबार साहिब में सच्चे मन से आस्था के साथ मत्था टेकता है, गुरु महाराज उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। वो गुरु महाराज का प्रिय पक्षी था, और अधिकांश समय जो है वो उनके कंधे में हाथ में रहता था। तो जब भी झंडारोहण होता है तो हमेशा बाज की एक सूक्ष्म उपस्थिति जो है गुरु महाराज की उपस्थिति को जोड़ के माना जाता है, और ये हमेशा जो है संगतें उसको देखती हैं। तो ये परंपरा निरंतर जारी है।